नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रिसेंटली इंडियन रेलवेज़ की तरफ से एक आदेश जो है वो निकल कर आया है, एक नोटिस निकल कर आया है, जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन रेलवेज़ के अंदर चलने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं, मेल, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, प्रीमियम ट्रेन्स, जिनके अंदर भी एसी कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, इनके अंदर से अब जो एसी में लगने वाले कर्टन्स होते हैं, पर्दे होते हैं, इनको पूरी तरह से रिमूव किया जा रहा है, यानी कि इसको परमानेंटली रिमूव किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर आप ने देखा होगा कि मार्च के टाइम में COVID-19 के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए पर्दे और बेडरोल्स जो थे इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था एसी कोचेस के अंदर, लेकिन आने वाले टाइम में अब आप लोगों को कर्टन्स जो हैं वो कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हालांकि COVID-19 का ठीक हो जाने के बाद में आप लोगों को जो बेडरोल्स मिलते थे पहले एसी कोचेस के अंदर, वो तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अब कर्टन्स जो हैं वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल पाएंगे। तो आखिरकार इंडियन रेलवेज़ ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है और आखिरकार ये कर्टन्स को हटाने के बाद में क्या कुछ सिचुएशन बन सकती है और इसके क्या कुछ ऑल्टरनेटिव इंडियन रेलवेज अडॉप्ट करने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एसी कोचेस के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या है और आखिरकार ये कर्टन्स को लगाया क्यों जाता था। सबसे पहली चीज़ जो है वो तो आप लोगों को एक्सट्रीम वेदर से बचाना, और दूसरी चीज़ जो है वो है प्राइवेसी। अब एक्सट्रीम वेदर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक्सट्रीम वेदर मतलब जब सनलाइट आती है आप लोगों के ऊपर डायरेक्टली खिड़की से, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो समर के टाइम में स्पेसिफिकली जब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है और एकदम वो सनलाइट जो है आप लोगों के ऊपर डायरेक्टली आती है, तो उससे बचने के लिए आप लोग जो कर्टन्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग कर्टन्स को लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी आसानी से बैठ सकेंगे और साथ ही साथ में अंदर का टेम्परेचर जो रहता है एसी कोचेस का वो भी मेंटेन रहेगा। लेकिन अब जब आप लोगों को ये कर्टन्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो लोगों को वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो हो रही है। स्पेसिफिकली मैं मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में ही आप लोगों से बात करता हूँ। रिसेंटली मैं इंदौर से बिलासपुर गया था, तब तो मैं स्लीपर में गया था, लेकिन वापस आते टाइम मैंने एसी का रिजर्वेशन करवाया था, तो तब मैं ट्रैवल किया था थर्ड एसी के अंदर। उस टाइम मेरी जो बर्थ थी वो थी साइड लोअर, और साइड लोअर पे बैठे बैठे मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली जो सनलाइट थी वो अंदर आ रही थी और पूरा दोपहर का टाइम था, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी और मैं परेशान हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने अपने पास में से बेडशीट निकाली और जैसे तैसे करके जुगाड़ करके मैंने उसको वहाँ पर टांगा, जिसके बाद में मुझको थोड़ी राहत मिली। तो ऐसी चीज़ जो है ये अभी सभी एसी ट्रैवलर्स फेस कर रहे होंगे। अगर रिसेंट टाइम में आपने दिन के टाइम में एसी के अंदर ट्रैवल किया है तो क्या ये चीज़ आपने फेस करी है या फिर नहीं करी है, मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से बताइएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या कुछ ऑल्टरनेटिव है हम लोगों के पास में, तो एक तो काफ़ी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी जो है जो कि इंडियन रेलवे ने अडॉप्ट करी है रिसेंटली, हावड़ा से लेकर नई दिल्ली के बीच में चलने वाली एसी स्पेशल ट्रेन के अंदर, जिसका नाम है पॉलीमर डिस्पर्स्ड लिक्विड क्रिस्टल शीट। इसको इस्तेमाल किया जाता है, एक स्विच यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, जिसको अगर आप लोग दबाते हैं तो पूरा फॉगी फॉगी यहाँ पर विंडो हो जाएगा, जिसके बाद में आप लोगों को बाहर का कुछ नहीं दिखेगा और बाहर की ये जो सनलाइट वगैरह है वो भी अंदर नहीं आएगी। और अगर आप लोग स्विच को बंद कर देते हैं तो वो विंडो जो है वापस पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाती है और आप लोग बाहर का जो है काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन हम लोगों के पास में अवेलेबल है वो है रोलर ब्लाइंड्स का, जो कि आप लोगों को शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेन्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिसको कि हम लोग ऐसे खींच के नीचे करते हैं और खींच के ऐसे ऊपर करते हैं। तो ये जो रोलर ब्लाइंड्स वाला ऑप्शन जो है ये अब आप लोगों को इंडियन रेलवेज़ की सभी एसी ट्रेन्स के अंदर, सभी मेल, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, जितनी भी ट्रेन्स रहती है जिनके अंदर एसी कोचेस लगे हुए हैं, सभी के अंदर अब आप लोगों को ये जो रोलर ब्लाइंड वाला सिस्टम है ये देखने के लिए मिलने वाला है। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर हम लोग पॉलीमर डिस्पर्स लिक्विड क्रिस्टल वाली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा अगर हम लोग सभी कोचेस के अंदर उसको लगाने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए इंडियन रेलवेज़ ने थोड़ा चीप ऑप्शन जो है इसको अडॉप्ट किया है, लेकिन मेन जो उसका पर्पस है आप लोगों को धूप से बचाना, एक्सट्रीम हीट से बचाना, वो जो है रोलर ब्लाइंड से भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में बात करें प्राइवेसी के बारे में, तो हाँ प्राइवेसी जो है वो आप लोगों की थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है। स्पेसिफिकली थर्ड एसी में और फर्स्ट एसी में इतना कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन सेकंड एसी में आप लोग जब साइड लोअर और साइड अपर बर्थ पे जाते थे तो वहाँ पर आप लोगों को खिड़की के अलावा दूसरी साइड में भी जो कर्टन्स है वो देखने के लिए मिलते थे, जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहती थी, आप आसानी से कुछ भी कर सकते थे वहाँ पर। तो वो जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ आप लोगों को दिखेगा, तो उसके बारे में आप लोगों के क्या पॉइंट्स आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं कि आखिरकार इन कर्टन्स को रिमूव किया क्यों जा रहा है।
तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि 2018 के अंदर इंडियन रेलवेज ने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने ये कहा था कि कर्टन्स जो हैं इनको इंडियन रेलवेज की एसी ट्रेन्स के अंदर से या फिर एसी कोचेस के अंदर से रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि कर्टन्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी फायर कैच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कहा गया था कमेटी के द्वारा कि इस जितने भी फायर के मतलब ये कर्टन्स जो हैं इनको रिमूव कर दिया जाए क्योंकि जब भी फायर लगता है तो ये कर्टन्स की वजह से बहुत जल्दी फायर फैलती है और जो पैसेंजर्स हैं उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में रहेगी। तो इंडियन रेलवेज ने उस टाइम तो इमीडिएटली इसको अप्लाई नहीं किया, लेकिन करेंटली चूंकि यहां पर इंडियन रेलवेज बिल्कुल भी कर्टन्स का यूज नहीं कर रही है, इसलिए अब आने वाले टाइम में आप लोगों को कर्टन्स देखने के लिए मिलेंगे भी नहीं, रोलर ब्लाइंड्स जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और ये डिसीजन तब निकल कर आया है जब रीसेंट टाइम में हम लोगों ने इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स के अंदर काफी सारे फायर के केसेस देखे हैं। रिसेंटली लखनऊ शताब्दी, देहरादून शताब्दी और भी काफी सारी एसी ट्रेन्स के अंदर हम लोगों को फायर देखने के लिए मिली है। अभी कल या परसों की ही बात है, मेमू ट्रेन जो है उसके अंदर भी आग लग गई थी। तो ये एक्सट्रीम हीट का ही कॉज है या फिर शॉर्ट सर्किट और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से अभी यहाँ पर आप लोगों को जो पर्दे हैं वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ में इंडियन रेलवेज़ ने डिसाइड किया है कि रात के टाइम में आप लोग जो चार्जिंग है वो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि चार्जिंग की वजह से भी आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पर हादसे होते हुए दिखे हैं। लोग जो हैं वो चार्जिंग पर लगाकर अपनी जो अप्लाइंसेस हैं उनको सो जाते हैं और फिर उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसी की वजह से शॉर्ट सर्किट्स होते हैं और फिर आग आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को क्योर करने के लिए अब आप लोगों को कर्टन्स भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे और आप लोग रात में अपने अप्लाइंसेज जो है इनको भी चार्ज नहीं कर सकेंगे। इस पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में आप सभी लोगों का क्या सोचना है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी इंडियन रेलवेज और साथ ही साथ में हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर बंद करते हैं यानी कि खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।